सबसे पहले तो आप सभी को बधाई हो, क्योंकि इस वीडियो को वही बंदे देखेंगे जिनके 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके होंगे। 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर YouTube हमें सिल्वर प्ले बटन देता है, तो उस सिल्वर प्ले बटन को हमें अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके वो सिल्वर प्ले बटन हमें मिल पाता है। तो सिल्वर प्ले बटन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि इसके तो 1 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं तो ये कैसे अप्लाई करेगा, तो मेरे भाई ये मेरा सेकंड चैनल है, मेरा मेन चैनल भी है जिस पे आप देख सकते हैं 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो जब भी आपके चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाती है तो आपको 7 से 10 दिन वेट करना है, तो आपके पास इस तरह का मेल आ जाएगा जिसमें आपको रिडीम कोड मिल जाएगा। आप इस रिडीम कोड को कॉपी कीजिए और इस वेबसाइट पर जाके आपको इस रिडीम कोड को पेस्ट करके अपने सिल्वर प्ले बटन को रिडीम कर लेना है। बट अगर आपके पास ये रिडीम कोड नहीं आया है तो आपको रिडीम कोड को जनरेट करना होगा। कई बार क्या होता है कि रिडीम कोड पहले जनरेट हो चुका होता है बट मेल हमें बाद में मिलता है। तो रिडीम कोड जनरेट करने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है सिल्वर प्ले बटन अप्लाई, तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट है आपको उसे यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको उस चैनल को सिलेक्ट करना है जिस चैनल पर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आप यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाइए, यहाँ पर आपको गेट यूट्यूब अवार्ड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे चैनल आईडी पूछ रहा है, तो चैनल आईडी लेने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर में अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे चैनल के लोगो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अभी आप यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको चैनल आईडी मिल जाएगी, इस चैनल आईडी को आपको कॉपी कर लेना है और इस पेज पे दोबारा आएंगे, यहाँ पर आपको अपनी चैनल आईडी एंटर करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपको रिडीम कोड मिल जाएगा, तो इस रिडीम कोड को आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रिडीम माई रिवॉर्ड पे क्लिक करना है, तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा, तो जो भी रिडीम कोड आपने कॉपी किया था वो रिडीम कोड आपको यहाँ पे एंटर करके रिडीम अवार्ड पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको वो नेम डालना है जो आप सिल्वर प्ले बटन पर जाते हैं। आप अपने बाबू सोना का भी डाल दीजिए, बट ज़्यादातर बंदे अपने चैनल का नेम डालते हैं, हम भी अपने चैनल का नेम डाल देते हैं, यार इतने मेहनत किया चैनल पर, तो जाहिर सी बात है ना अपने चैनल की सिल्वर प्ले बटन लेंगे यार। एक बार आप स्पेलिंग जरूर चेक कर लीजिएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पे अप्रूव एंड चेकआउट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक कीजिए, तो अब आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पर आपको ये सभी डिटेल यहाँ पर देनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे वो जीमेल आईडी एंटर करनी है जिस जीमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, तो हमारी कंट्री इंडिया है तो हम यहाँ पे इंडिया कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में लास्ट नेम नहीं है तो आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम में एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। कंपनी को आप यहाँ पे छोड़ दीजिए क्योंकि हम इंडिविजुअल है, यहाँ पर आप पूरा एड्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे। आप एक काम कर सकते हो, जो आपने एडसेंस में एड्रेस दिया था आप उस एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी सिटी एंटर कीजिए, इसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, अपना जिप कोड एंटर कीजिए, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे देंगे उसी मोबाइल नंबर पर डिलीवरी बॉय आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, तो मोबाइल नंबर ऐसा देना जिससे कि डिलीवरी बॉय आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए। इसके बाद आप वैट नंबर को स्किप करेंगे, यहाँ पर आपको आधार नंबर या फिर पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा, एक बार एड्रेस को अच्छी तरह से कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है, तो आपका ऑर्डर यहाँ पे सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा, जहाँ पर आपको ऑर्डर नंबर भी मिल जाएगा। तो ये सिल्वर प्ले बटन मैंने यहाँ पे 28 जून 2023 को अप्लाई किया है, तो अब देखते हैं कि ये सिल्वर प्ले बटन हमें कितने दिन में मिलता है। तो उसकी पूरी अपडेट जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।